Look, तो आप इस तरह से डेली मेकअप कर सकते हैं ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है मुझे खुद को ये बहुत प्रेटी लगता है और आप देख सकते हैं कोई हाईलाइटर यूज नहीं किया है मैंने हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी मेकअप माय नेम इस करिश्मा प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ स्मोकी आई मेकअप अफोर्डेबल प्रोडक्ट से किस तरह से स्मोकी आई मेकअप आप कर सकते हो जो कि डेली अगर आप ऑफिस जा रहे हो कॉलेज जा रहे हो या कहीं भी तो सारे आउटफिट्स पर सूट करता है और आप डेली भी कर सकते हो बहुत ज्यादा प्रिटी भी लगता है तो उसको कैसे करना होता है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाली हूँ बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो फिर आपका आई मेकअप खराब हो सकता है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज मैं सारे प्रोडक्ट अफोर्डेबल यूज करने वाली हूँ हाई एंड से मेकअप नहीं कर रही हूँ अफोर्डेबल प्रोडक्ट से मेकअप सिखाने वाली हूं तो कैसे करना है चलिए मैं बताती हूँ सबसे पहले मॉइस्चराइज करूंगी मैं अपनी स्किन को क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है और मेरी स्किन को थोड़ा हाइड्रेशन ज्यादा चाहिए होता है बायोटिक यूज करूंगी मैं सारे प्रोडक्ट आज जो भी मैं यूज करूंगी वो मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं सारे के सारे प्रोडक्ट अफोर्डेबल मैं यूज करने वाली हूँ ड्राई स्किन पर थोड़ा सा हाइड्रेशन ज्यादा चाहिए होता है इसलिए मैंने क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखी है अपनी स्किन पर अच्छे से एब्जॉर्ब कराना होता है मॉइस्चराइजर को तो इस तरह से मैं मॉइस्चराइजर को एब्जॉर्ब कराऊंगी अपनी स्किन पर एज इट इज छोड़ दूंगी मैं कम से कम दो मिनट के लिए दो मिनट हो चुके हैं और मेरा जो मॉइस्चराइजर है वो अच्छे से स्किन ने एब्जॉर्ब कर लिया है अब मैं यूज करूंगी बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो कि अगर आप डेली मेकअप करते हैं और आपकी स्किन मेरे जैसी ड्राई है और आपको चाहिए एक डोई फिनिश मेकअप आपको ड्राई मेकअप नहीं चाहिए मैट मेकअप नहीं चाहिए थोड़ा सा डोई मेकअप चाहिए देन आपको यूज करना है ल्यूमी क्रीम फ्रॉम ब्लैक में और बहुत थोड़ी क्वांटिटी इसकी यूज करना क्योंकि अच्छा खासा हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है आपकी स्किन को ये डेली तो मेकअप अगर आप कर रहे हो और डु मेकअप आपको पसंद है देन आपको लेक में लूमी क्रीम यूज करनी है आफ्टर मॉइस्चराइजर अब मैं अप्लाई करूंगी प्राइमर क्योंकि प्राइमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और प्राइमर यहां मैं यूज कर रही हूँ स्विज ब्यूटी एज इट इज छोड़ दूंगी सिर्फ स्प्रेड करना होता है प्राइमर मसाज नहीं करनी होती है इसको दो से तीन मिनट लगते हैं अपना अपना काम करने में तो मैं 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 इसको एज इट इज छोड़ दूंगी अब मैं अपना आई मेक करूंगी। आई मेकअप मेकअप करूंगी के लिए मैं यूज कर रही हूं, कंसीलर स्विज ब्यूटी और इसका शेड है जीरो टू तो जीरो टू शेड यूज कर रही हूं मैं इसका कंसीलर का लिक्विड कंसीलर है ये ये देखिए इस तरह से इसको आपने अप्लाई करना है अपनी आईलिड पर आज मैं स्मोकी आई मेकअप करने वाली हूँ यहाँ मैंने पफ यूज किया है इसको ब्लेंड करने के लिए और ये पफ मैंने डैम कर लिया था और अच्छे से स्क्वीज कर लिया था उसके बाद मैंने इसको अच्छे से इस तरह से ब्लेंड कर लिया है ये इजीली हो जाता है इसके साथ अब मैं इसको सेट करूंगी मैं लूज पाउडर नहीं ले रही हूँ सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है मैंने और इसका शेड है जीरो फोर पर्ल पाउडर लिया है मैंने शुगर पॉप ब्रांड का काफी अच्छा है मुझे काफी ज्यादा पसंद है इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है

तो लाइट ब्राउन यूज करूंगी मैं और देखिए ब्रश के साथ इस तरह से ये देखिए अपनी क्रीज लाइन को इनहेंस करूंगी मैं ये देखिए आपने जो भी पैलेट यूज करना है उस पैलेट से लाइट ब्राउन जो सबसे लाइट ब्राउन कलर होता है आइस की क्रीज लाइन को इनहेंस करने के लिए सबसे पहले लाइट कलर से स्टार्ट किया जाता है इस तरह से इसको मैं ब्लेंड कर लूंगी अब मैं एक छोटा ब्रश लूंगी अब मैं थोड़ा छोटा ब्रश लूंगी जो मैंने पहले लिया था उसके साथ जो मैंने ब्राउन कलर यूज किया है इससे थोड़ा सा डार्क ब्राउन यूज करूंगी ब्रश छोटा लेना है अब और ब्राउन जो है वो थोड़ा सा डार्क लेना है तीन कलर लेने होते हैं इसमें बिल्कुल लाइट ब्राउन उसके बाद थोड़ा डार्क उसके बाद बिल्कुल डार्क तो अब मैंने थोड़ा सा डार्क ब्राउन लिया है एकदम डार्क नहीं है ये और इससे फिर से अपनी क्रीज लाइन को एनहैंस करूंगी और इसको स्मोक आउट कर दूंगी एकदम से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी ऐसे स्मोकी इफेक्ट आना चाहिए ऐसे नहीं कि अलग से दिख रहा है ठीक है कहीं भी लाइंस वगैरह नहीं दिखाई देनी चाहिए क्योंकि जो धुआं होता है जो स्मोक होता है उसमें कहीं भी लाइन्स विजिबल नहीं होती है तो आपने ये याद रखना है कि कहीं भी लाइन्स विजिबल नहीं होनी चाहिए अच्छे से ब्लेंड आउट हो जाना चाहिए ये हो चुका है अब मैं एक बिल्कुल डार्क ब्राउन अपने पैलेट से यूज करूंगी मैं ये वाला डार्क ब्राउन यूज करने जा रही हूँ इसको यूज करूंगी मैं अपने पैलेट से और इसको अच्छे से अपनी आई पर अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी देखिए यहाँ से डिपॉजिट करना स्टार्ट करूंगी मैं जो मेरी अपर लैश लाइन है इस पर मैं स्प्रेड करूंगी अच्छे से और उसके बाद इसको ब्लेंड आउट करती जाऊंगी जो ऊपर की साइड है ना कोई भी एजेस नहीं क्रिएट होनी चाहिए अच्छे से ब्लेंड हो जाना चाहिए स्मोक इफेक्ट आना चाहिए एकदम स्मोकी इफेक्ट आना चाहिए अच्छे से इसको ब्लेंड आउट कर लूंगी ये देखिए इस तरह से इसको अपनी अपर लैश लाइन को अच्छे से अप्लाई कर लेना ब्राउन कलर ये देखिए ये मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है डार्क ब्राउन अब मैं क्या करूंगी अब मैं एक आई पेंसिल लूंगी आई पेंसिल लूंगी ब्लैक आई पेंसिल आप कोई भी यूज कर सकते हो पार्टिकुलर कोई ब्रांड में आपको नहीं बोलूंगी जो भी आप चाहो वो यूज कर सकते हो और उसके बाद अपने अपर लैश लाइन पर इसको एज अ लाइनर आपने अप्लाई करना है छोटे से फ्लैट ब्रश में ब्लैक कलर लेना है अपने ब्रश में और इस तरह से इसको ब्लेंड आउट करना है ये देखिए लाइन नहीं दिखनी चाहिए यहाँ पर देखिए इसके एजेस को खत्म करना है जो आपने आई पेंसिल यूज की है तो ये स्मोकी आई मेकअप हो चुका है अब मैं अपने फेस को क्लीन कर लूंगी वो तो भी एक्सेस यहाँ पर गिर गया है ना वो क्लीन हो जाए और मैं अपना बेस मेकअप अच्छे से कर सकू बेबी वाइफ के साथ मैं इसको क्लीन करूंगी जो भी एक्सेस गिरा है ना उसको क्लीन कर लूंगी अच्छे से और ये देखिए ये थोड़ा सा इनर आई पर थोड़ा सा हो गया है तो बेस मेकअप के लिए सबसे पहले मैं इसमें से एक डार्क कलर लूंगी ये देखिए ये मेरी स्किन से डार्क है ऑरेंज करेक्टर मैं यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लेयरिंग नहीं चाहिए मुझे आपकी स्किन बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है देन आपको ऑरेंज यूज करना है और अगर आप डेली मेकअप कर रहे हो तो आप ऑरेंज यूज ना करके अपनी स्किन से डार्क टोन में कंसीलर भी यूज कर सकते हो ठीक है डेली डेली इतना सारा मेकअप आप लोग नहीं कर सकते हो मैं खुद भी इतना ज्यादा मेकअप डेली नहीं करती हूँ तो ये इस तरह से आपको करना है इसको अच्छे से ये देखिए जहां जहां पिगमेंटेशन है थोड़ा थोड़ा वहां वहां यूज करूंगी एक नेचुरल सा मेकअप करने वाली हूं आज मैं पर इसको फिंगर से अप्लाई करूंगी और ब्लेंड आउट करती जाऊंगी फिंगर से फिंगर से ही मैं इसको ब्लेंड आउट कर रही हूँ जहां भी मुझे पिगमेंटेशन है मैंने वहां अप्लाई किया है इसको थोड़ा थोड़ा अप्लाई किया है बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं किया है क्योंकि आज जो मेकअप मैं करने वाली हूँ वो बहुत ज्यादा नॉर्मल होने वाला है ऐसा नहीं कि बहुत हैवी मेकअप करने वाली हूँ बहुत थोड़ा फाउंडेशन यूज़ करूंगी और फाउंडेशन आज मैं यूज़ कर रही हूँ लैक में इस तरह से यहाँ पर ये अपनी स्किन टोन के हिसाब से ही फाउंडेशन चूज करना ये देखिए मेरी स्किन पर परफेक्ट मैच है बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है बहुत थोड़ी क्वांटिटी फाउंडेशन की अप्लाई करनी है मुझे क्या करना है मुझे पफ लेना है जो कि डैम पफ है ठीक है डैम ब्यूटी ब्लेंडर जैसे होता है पानी में डाला स्क्वीज करा वैसे ही मैंने ये पफ लिया है स्क्वीज कर लिया है इसको और इस तरह से देखो इसको अच्छे से मैं अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूंगी अब मैं यूज करूंगी इसी पफ के साथ और मैं इसको कॉम्पैक्ट को यूज करने वाली हूँ शुगर पॉप है ये और देखिए इस तरह से इसको मैं अप्लाई करूंगी इसको आपने एकदम से स्वाइप अप नहीं करना है सिर्फ आपको डेप डेब डेब करना है ये देखिए इस तरह से इससे क्या होगा इसकी कवरेज भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और ये लॉक भी हो जाएगा आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा अब मैं यूज करूंगी अपनी आईब्राउज के लिए डार्क ब्राउन कलर ब्लैक के साथ कभी मत करना वो खराब दिखता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो आपने क्या करना है इस तरह से देखिए इस तरह से करना है सबसे पहले इसके इस तरह से कर लीजिए इसको इस तरह से होता है ये ब्रश ये ब्रश जो होता है देखिए इस तरह का होता है पीछे से कुछ ऐसा और आगे से ट्राइंगल शेप में अगर आप देख पा रहे हो उसके बाद मुझे क्या करना है यहाँ से स्टार्ट करना है डिपॉजिट करना ठीक है ये देखिए मुझे शेप को बढ़ाना नहीं है सिर्फ शेप को ठीक करना है जहां पर मुझे लग रहा है थोड़ा कम है ग्रोथ वहां पर थोड़ा सा कलर डिपॉजिट करना है और आज से स्टार्ट करना है और आगे लेके जाना है देखिए इसमें और इसमें कितना ज्यादा फर्क है तो मैंने अपनी आईब्राउज को अच्छे से फिल कर लिया है पाउडर के साथ इसी इसी पैलेट से डार्क ब्राउन के साथ मैंने इसको फिल किया है अपनी आईब्राउज़ को तो ये डन हो चुकी है कॉन्टोर के लिए मैं क्या करूंगी इसी पैलेट से इसी पैलेट से ये कलर जो मैंने आईब्राउज़ के लिए लिया है इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लूंगी और थोड़ा सा मैं अपना कॉम्पैक्ट लूंगी ये हैक है अगर आप सेल्फ मेकअप करते हैं तो ये आपको कॉम्पैक्ट लेना है यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा ब्राउन लिया मैंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लिया और ये शेड बन गया है मेरे जिससे कि मैं कॉन्ट्रोल कर सकती हूँ क्योंकि अलग से कोई कॉन्ट्रोल पैलेट नहीं लेना है आपने और अगर आपने लेना है देन आप शुगर भी ले सकते हो ठीक है तो शुगर में आप ले सकते हो लेकिन मैं आज कोई कॉन्ट्रोल नहीं ले रही हूँ मैं आपको हैक सिखा रही हूँ किस तरह से आपने कॉन्ट्रोल करना है स्क्वीज कीजिए ये देखिए बहुत सॉफ्ट सा कॉन्टोर यहाँ पर हो गया है आप देख रहे होंगे अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये देखिए मेकअप नहीं कर सकते हो तो थोड़ा सा इस तरह से आपने करना है इसको ब्लेंड कर लीजिए अब मैं यूज करूंगी ब्लशर तो ब्लशर मैं यूज करूंगी और हाइलाइटर अलग से नहीं लगाऊंगी आज मैं तो ये देखिए ये जो पिंक वाला ब्लशर है ये स्विस्ट ब्यूटी पैलेट है और इसका जो ये बीच वाला है इसमें ब्लशर में थोड़ा सा हाईलाइटर भी मिक्स है तो थोड़ा सा अच्छा सा शीन सा आ जाता है तो देखिए इस तरह से इसको अप्लाई करूंगी मैं ब्लशर है वो ओवल शेप में है और मैं इसको अप्लाई करूंगी ये देखिए ओवल शेप में है इस पर डब्ल्यू में अप्लाई करूँगी मैं अपना ब्लशर जो है बहुत सॉफ्ट पिंक है ये वाला कलर जो एक है एकदम सॉफ्ट पिंक है डार्क नहीं लगता है बिल्कुल डार्क नहीं है ब्लशर भी हो चुका है अंडर आई मेकअप करूंगी तो अंडर आई मेकअप के लिए लाइन पर, पर ये देखिए थोड़ा सा अप्लाई करूंगी बहुत ज्यादा नहीं करूंगी ये देखिए इसको इस तरह से थोड़ा सा अप्लाई करूंगी मैं और इसके बाद डार्क ब्राउन डार्क ब्राउन कलर लूंगी अपने पैलेट से बहुत छोटा सा ब्रश लिया है मैंने और इस ब्रश के साथ इसको डस्ट ऑफ कर लूंगी और फिर इसके साथ ये देखिए इस तरह से इसको स्मज करूंगी ब्राउन कलर के साथ ये देखिए इसको स्मज करूंगी जिससे कि ये बाद में फैले नहीं ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है इस तरह से लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है और एक ब्राउन एक सी शेडो जो क्रिएट होती है अंडर आई पर वो भी अच्छी लगती है ठीक है और ये देखिए इस तरह से इसको आपने इस तरह से इसको करना है इसको ब्लेंड कर लिया है मैंने अच्छे से पैलेट में इसी पैलेट में जो ये लाइट वाला है इस वाले आई शेडो को मैं एक छोटे ब्रश के साथ बिल्कुल छोटा ब्रश यूज करूंगी मैं और देखिए यहां पर यूज करूंगी साइड मुझे ये करना है इससे क्या होता है आपकी जो आईज है वो थोड़ा सा बड़ी दिखाई देती है ये देखिए लिपस्टिक मैं यूज कर रही हूं आज रेने और कोई लिप लाइनर यूज नहीं कर रही हूं सिर्फ लिप लिपस्टिक ही यूज करूंगी यूज की है आज और इसका शेड है कार्विंग फॉर कॉफी तो इसका शेड है कार्विंग फॉर कॉफी और मुझे क्या करना है अब मुझे शेड चेंज करना है अपनी लिपस्टिक का क्योंकि मुझे लिपस्टिक हमेशा थोड़ा चेंज करके पसंद है कुछ ना कुछ हैक में कर करती रहती हूँ अपनी लिपस्टिक के साथ मैं क्या करूंगी आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ थोड़ा सा फाउंडेशन लूंगी और यहाँ पर देखिए इस तरह से फाउंडेशन यहां पर अप्लाई कर लिया है मैंने थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा एक डॉट से भी कम लिया था और इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लिया जिससे कि कम से कम मेरी फिंगर पर रहे और ये देखिए तो अब है ये परफेक्ट एकदम इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी फिक्सर फिक्सर अप्लाई करना बहुत जरूरी है वरना जो ये मेकअप आपने किया है वो नहीं टिकने वाला है तो मैं फिक्सर अप्लाई करूंगी मैट लुक फिक्सर यूज कर रही हूँ काफी ज्यादा अच्छा है और सस्ते में अगर अच्छा चाहते हो देन आप ये ले सकते हो ये देखिए इसको थोड़ा सा दूर करके अप्लाई करना वरना मेकअप जो है खराब हो जाएगा ठीक है इसको करना है और फिर फैन में ड्राई आउट हो जाने देना है अब मैं यूज करूंगी स्विस ब्यूटी मस्कारा और यहाँ इस पॉइंट पर आकर अगर आप चाहें तो आप फेक आईलैशेज यूज कर सकते हैं बट मैंने इसलिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूं अगर आप मेरी वीडियोस को देखते होंगे तो उसको आप, आपको पता होगा कि मैं अप्लाई नहीं करती हूँ तो मैं सिर्फ मस्कारा यूज करूंगी ये देखिए इस तरह से नीचे देखना है आपको और इस तरह से अप्लाई करना है एकदम से ऊपर मत देखना अगर एकदम से ऊपर देखोगे ना तो ये ड्राई नहीं हुआ होता है वैसे वॉटर प्रूफ मस्कारा है और काफी लॉन्ग लास्टिंग भी है लेकिन अगर आप एकदम से ऊपर देखोगे ना लगाने के तुरंत बाद तो ये ऊपर आपकी यहाँ पर खराब कर देगा मेकअप को आप आई मेकअप देख सकते हो स्मोकी आई मेकअप इसी को बोलते हैं ब्राउन स्मोकी आई और ये बहुत इजीली हो जाता है बिल्कुल बिगनर भी अगर आप हैं तो इस तरह से मेकअप कर सकते हैं और ये है मेरा फाइनल लुक है कोई हाइलाइटर यूज नहीं किया है मैंने क्योंकि बहुत ज्यादा हाइलाइटर अच्छा नहीं लगता है डेली डेली में इतना ज्यादा और जो मैंने ल्यूमी क्रीम यूज की है उसकी वजह से मेकअप बहुत ज्यादा डुई इफेक्ट करेगा बहुत ज्यादा डुई मेकअप होता है उससे तो मुझे अलग से कोई हाईलाइटर यूज करने की नीड नहीं थी क्योंकि मैंने जो ब्लशर यूज किया था उसमें भी हाईलाइटर है तो ये इस तरह से फाइनल लुक हो जाता है डेली मेकअप आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट से इस तरह से कर सकते हैं और जो भी डाउट क्वेरी आपके माइंड में रहती है ये वीडियो देखने के बाद देन आप मुझे कॉमेंट कीजिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिए आपके सारे डीएम मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के और मुझे पर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और, और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा हार्ट भेजना मुझे मेरे कॉमेंट बॉक्स में जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है और मैं इस तरह से आगे सीरीज लाती रहू अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ जिससे कि आप सस्ते से सस्ते प्रोडक्ट्स के साथ क्योंकि हमें सस्ते का मतलब खराब नहीं होता है महंगे का मतलब अच्छा नहीं होता है अच्छे प्रोडक्ट कम पैसों में भी आ जाते हैं तो आप अफोर्डेबल में अच्छा मेकअप कर सकते हैं बहुत अच्छे प्रोडक्ट है सारे प्रोडक्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए बाय स्टेट यून